हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फ्री था तो सोचा एक व्लॉग शूट कर लूँ, और फ्री होने के साथ साथ मैंने सोचा आज अपनी बुलेट की सर्विसिंग भी करा ली जाए। तो ये कोई नॉर्मल सर्विस नहीं है गाइस, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरी गाड़ी में। सो गाइस, ये रही मेरी बुलेट, और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है इसमें। बहुत दिनों से मैंने इसे निकाला नहीं है, और निकाला इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसमें ऑयल डलाया था, ऑयल चेंज हुआ था, तो उस मैकेनिक की ये मिस्टेक थी कि उसने शायद इसके पैनल सही से फिट ना किए हों, या जो भी इसके अंदर जो गैस लगाई जाती है पैकिंग वैकिंग, वो शायद उसने सही से फिट नहीं करा था। उसकी वजह से यार बहुत ऑयल लीक होता रहा। मैं भी काम में इतना बिजी होता था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी बनवा लूँ जाके, और वो धीरे धीरे करके आज इतना ऑयल चू गया है कि इससे इंजन से टिक टिक करके कोई नॉइज़ भी आ रही है इस। तो जब से वो नॉइज़ आना चालू हुई है, मैंने अपनी गाड़ी ऑन ही नहीं करा, मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं करा। सो आज मैं जा रहा हूँ यार इसका ऑयल और इसकी पैकिंग वैकिंग सब बढ़िया से कराने, और शायद क्या पता कुछ ऐसा कोई इशू ना आ गया हो इंजन में, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर इंजन में ऑयल कम होता है तो वो गाड़ी के इंजन में अफेक्ट करता है। सो अभी कुछ नहीं कह सकते गाइस, वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आप देख सकते हो ये पूरा काला पड़ गया है। ये तो मैंने साफ़ करा है गाइस, यहाँ पे ऑयल हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल देखने को मिल जाता है आपको। अभी तो बस यहाँ ब्लैक पड़ा हुआ है। सो गाइस, मिलते हैं फिर उस शॉप में, उस मैकेनिक के पास जहाँ से अपनी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखने वाला हूँ कि इसका इंजन के जो पैनल्स हैं और जो पैकिंग इसमें डाली जाती है वो बहुत बढ़िया से हो, ताकि अब ऑयल ना छुए। तो गाइस, आप भी ध्यान देना इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यार ऑयल छूते अपन को कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े टाइम बाद ऑयल इतना कम हो जाता है कि इंजन को अफेक्ट करता है। सो उसका ध्यान देना। थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी मार लिया जा रहा है, देख सकते हैं आप पूरी धूल जमी हुई है गाड़ी में। यार मैंने सुना है गाइस कि जब गाड़ी में धूल या रेत जमी हो तो कपड़ा नहीं मारना चाहिए, पहले तो वॉश कराया थी, तो बस सीट में कपड़ा मार लेते हैं, उसके बाद हम वॉश कराएंगे गाड़ी। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं अपन मैकेनिक की शॉप में। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। अंकल जी जय हिंद। तो ये हमारे अंकल जी हैं, और ये हमारे विकेश सीजे रजा के कैप स्टाइल फ्री स्टाइल डांसर है। कहाँ जा रहे हो भैया? अभी जा रहे हैं हम टूर पे, कटनी टूर पे जा रहे हैं ये। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद अंकल जी। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि यार अपनी बुलेट बहुत दिन से खड़ी हुई है, बहुत दिन से स्टार्ट करा नहीं है मैंने उसको, तो बहुत दिनों बाद चालू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेती है चालू होने में। तो शॉक दे के देखते हैं। खास होती है बुलेट की आवाज़ में पंजाबी ढोलकी में, वो साउंड नहीं आ रहा क्योंकि इसके इंजन का ऑयल ख़त्म हो चुका है, ऑयल नहीं है इसमें, इसलिए ये मतलब बढ़िया आवाज़ साउंड नहीं कर रही है। तो ऑयल चेंज करने के बाद बहुत बढ़िया साउंड करेगी। तो गाइस देखो आप, ये बार बार बंद हो रही है, फिर बहुत दिन बाद चालू हुई है, और जब भी मेरी बुलेट महीने दो महीने चालू नहीं होती वो ऐसे ही करती है। तो थोड़ा रैप करते हैं, भगाते हैं थोड़ा।
गाइस उसके तो ब्रेक्स भी नहीं लग रहे हैं अब। और साउंड तो बहुत ही बेकार कर रही है यार। गाइस इसका ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहा है वो, और गाड़ी अभी तक पिकअप भी नहीं बना पा रही है। अब थोड़ा रेस देते हैं इसको, भगाते हैं। तो मिलते हैं फिर वीडियो में, बने रहो गाइस, स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं तावेज भाई के साथ, और यार ये जबलपुर में बहुत अच्छी बुलेट बनाते हैं। किसी को भी मॉडिफाई कराना हो बुलेट या कोई भी काम कराना हो बुलेट का, बहुत शानदार काम करते हैं। और मेरी बुलेट में जो जो भी काम है मैंने उनको बता दिया है, और वो बोल रहे हैं प्रॉपर। मेरा काम ऐसा है कि मैं बोलते हैं काम ज़्यादा करते हैं। जैसा आप देख सकते हो भाई का कॉन्फिडेंस, तो भाई देखते हैं भाई कैसी बना के देते हैं गाड़ी। तो मिलते हैं गाड़ी बनने के बाद, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस मैंने अपनी बुलेट को बनने डाल दिया है यार, और मेरे हिसाब से कम 2 घंटे तो लगेगा ही उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं जाया जाए, जब तक क्या करते वहाँ पे खड़े होके। तो हम आगे कहीं जा रहा हूँ मैं। तो गाइस शाम हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ तावेज भाई की शॉप में। हाँ तावेज भाई, क्या चल रहा है फिर? बस इंजन सेट हो रहे हैं गाड़ी के। और क्या क्या प्रॉब्लम थी फिर गाड़ी में? और इंजन का ऑयल कम हो चुका था जैसे कि, तो इंजन के ऑयल कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम आई? कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं नहीं, ये ऑयल पम्प गड़बड़ हो गया। अच्छा। अपन ऑयल पम्प डाल रहे हैं, ये ओरिजिनल अभी आ रहा है जो देख सकते हो गाइस, न्यू आ गया ऑयल पम्प अपना रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ऑयल पंप पूरा जेन्युइन काम है, लोकल वाला चलते ही नहीं है। जिस हिसाब से इसका नाम है ना रॉयल एनफील्ड, वैसा काम होता है। ये इसका ऑयल पंप आ चुका है अपने पास। और क्या क्या हो रहा भाई गाड़ी में? अभी अपन पीछे के चक्के का काम चल रहा है, ये पैनल खुला हुआ पड़ा है अपनी बिल्ड का। देखो भाई काम करने में लगा है छोटा भाई। टायर कहाँ है यार गाड़ी का? अंदर अंदर। अच्छा अच्छा, ब्रेक शू का काम हो रहा है। तो भाई देख सकते हो पीछे वाला टायर गायब है, उसमें ब्रेक शू का काम हो रहा है। देखो ये होता है लिफ्टर। क्या होता है? ये लिफ्टर होता है। अच्छा, अगर ये फंस जाता है तो गाड़ी की स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है, किक बैक मारती है। अच्छा अच्छा। तो भाई देख सकते हो आप, ये पुराना ऑयल पंप और ये न्यू वाला ऑयल पंप। इस पे ऑयल पंप जो था इस पे छोटा था, अब इस पे बड़ा कर दिया, इसकी एक्स्ट्रा और ऑयल पंप की स्पीड बढ़ा दी है। तो गाइस जो न्यू ऑयल पंप है ये ज्यादा तेज स्पीड से ऑयल पंप होगा इसमें। तो गाइस अपनी एक बुलेट का पिछला टायर लग चुका है, अभी चेन में काम हो रहा है देख सकते हो आप। चलो मैं आपको कुछ बुलेट्स दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बुलेट बन रही है देख सकते हो। अभी ओल्ड मॉडल है और ये न्यू मॉडल में अभी कुछ काम चल रहा है। अभी मैंने एक बाइक देखा यार, बहुत शानदार लगी मुझे, ये देख सकते हो आप इसको। ये न्यू मॉडल में यार मॉडिफाई, विंटेज स्टाइल में मॉडिफाई, देखो कितनी शानदार लग रही है, मज़ा ही कुछ और है। अभी एक बुलेट और आई हुई है देख सकते हो आप। भाई इन गाड़ियों को चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार, ये ओल्ड मॉडल है, इनको रिस्टोर कराते हैं लोग, फिर से सारे पार्ट्स डलवाते हैं नए, सर इनका मज़ा ही कुछ और है चलाने का। देख सकते हो बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है, ये सब सेकंड हैंड है गाइस। अगर आप लोग चाहो तो एक खरीद सकते हो, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा यार, कॉन्टैक्ट करा दूंगा। ये देखो सब सेल पे खड़ी हुई है सब गाड़ियाँ, ये थंडरबर्ड, ये क्लासिक सारी सेल पे है। देख सकते हो, भाई बोल रहा था हमको भी दिखा दो, देखो भाई ये रही अपनी बुलेट। देखो गाइस इसमें से सिर्फ इतना सा ऑयल निकला है,
शायद अभी थोड़ा सा और निकलेगा, अभी क्लीनिंग चल रही है। हमारा साइड पैनल फिट। बहुत से लोग मुझसे पूछते कि यार साइड पैनल में शाइन क्यों मारते हैं आपकी बुलेट के, तो यार वो इसलिए क्योंकि मैंने निकल कराया हुआ है और निकल कराने से शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे को नॉर्मल इंजन पसंद ही नहीं। हाँ बफिंग 6 महीने ये बुल्ट की प्लेट्स बोले तो क्लच प्लेट, और इसे भी क्लीन किया जाएगा दोस्तों, इसको खोला जाएगा और खोल के चेक किया जाएगा कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो यार इसको भी चेंज कराना पड़ेगा, या तो बस क्लीन होके वापस से लगा दी जाएंगी। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा यार, आप लोग जब भी बुल्ट में काम कराते हो तो यार मेरे हिसाब से तो आपको बैठ के देखना भी चाहिए यार कि मैकेनिक कैसे काम कर रहा है, और अगर आपकी बुलेट से ज़रा सा भी इंजन से ऑयल लीक हो कभी तो यार उसको इमिडिएटली सही कराओ, उसको चूने मत दो जैसी गलती मेरे से हुई, वरना इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये चल रही है पैनल क्लीनिंग, इसके पैनल्स जो है पेट्रोल से क्लीन किए जाते हैं। और अब ये प्लेट्स भी क्लीन करी जाएगी गाइस, देख सकते हो आप। तो ऐसे क्लीन किए जाते हैं बुलेट के पैनल्स, देख सकते हो आप, पेट्रोल निकाला जा रहा है और पेट्रोल से क्लीनिंग होती है। देख सकते हो आप प्लेट्स, अभी ये क्लीनिंग होंगी तो अभी आप देख लो इनको, और जब क्लीन हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लीन होने के बाद ये कैसी लगती है। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो यार कितनी खतरनाक सी क्लीनिंग दिख रही है इसमें, कितनी प्यारी शाइनिंग आ चुकी है। ये होता है फर्क यार, जब आप देख रहे थे तो कितनी गंदी सी लग रही थी, क्लीन होने के बाद यार ऐसा लग रहा है कि अपने हमने जो प्लेट्स है वो न्यू डाली हुई है। वाह तावेश भाई मजा आ गया। ये हो गई हमारी क्लच प्लेट फिट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार अब पैकिंग में बहुत अच्छे से लगवा रहा हूँ मतलब, और अंकल बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। देखो ऐसे काम होता है पैकिंग का यार, जो पहले जिस मिस्त्री से मैंने काम कराया था जिस मैकेनिक लगा दिया था उसने पैकिंग लगा दिया था और बहुत गलत तरीके से उसने यार पैकिंग लगाया था, तो इसलिए ऑयल लीक करता था। अब अंकल ने मेरे से ये ज़रूर बोले हैं कि यार अब कुछ भी हो जाए ऑयल जहाँ से वो लगा रहे हैं वहाँ से तो लीक नहीं करेगा। तो यार आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना है कि यार जब भी सर्विस कराओ ऑयल वॉयल चेंज कराओ तो यार ऑयल लीक नहीं होना चाहिए बुलेट से। तो गाइस आप देख सकते हो यार इस बार हमने गैसकेट लगवाई हुई है, गैसकेट बोलते हैं इसको, पैकिंग नहीं लगवाना चाहिए, ट्यूब लगाया इस बार, ट्यूब लगवाए अपन ने। क्लासिक गाड़ी में पैकिंग कहीं लगता ही नहीं है, सिर्फ हेड में और ब्लॉक में लगती है पैकिंग, बाकी इंजन के चैम्बर में नहीं लगती पैकिंग। अच्छा क्लच कवर में नहीं लगती पैकिंग, टाइमिंग कवर में पैकिंग लगती है बस। अच्छा ये फिट हुआ हमारी बोल्ट का पैनल क्लच पल्ला, इंजन का लाल मिट्टी वाले इसको बोलते हैं क्लच पल्ला, क्लच जो फिट होते हैं। तो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है यार, मैं घर जाने के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, और अपनी बुलेट का काम भी लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, आधे घंटे में मैं फ्री हो जाऊँगा यहाँ से। देख सकते हो आप सब बिल्कुल लगे हुए हैं अपनी बुलेट बनाने में, बिल्कुल जान से लगे हुए हैं सब। चलो बढ़िया। सो गाइस ये देखो ऑयल
डाला जा रहा है। अपनी बोल्ट हो चुकी है रेडी, जो भी काम था सारा कंप्लीट हो चुका है। और यार देखो कितना प्यारा साउंड आ रहा है इससे। अब ये चेक करो यार, इंजन की नॉइज जो है वो बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल ना के बराबर है। हल्का बोल के तो टैबेट आवाज करते ही, न्यू मॉडल का ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यार बहुत बढ़िया साउंड में बहुत चेंजेस आए। और वॉशिंग यार मैं आज करा नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, वॉशिंग हम कल करा लेंगे गाड़ी की। लेकिन गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, अभी जो स्क्रू है बोल्ट है वो सारे कसे जा रहे हैं और बाकी अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आता हूँ एक बार राइड लेके कि गाड़ी कैसी चल रही है। तो गाइस यार मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ घर जाने के लिए। मैं यहाँ 3 बजे का आया था और अब 9 बज चुके हैं, रात के 9:30 बजने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और अब मैं जा रहा हूँ घर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।